अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज की जो वीडियो है ये हाइलाइटर्स की है, जो मैं जो मेरे वैनिटी हाइलाइटर्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, और कौन कौन से हाइलाइटर मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर आप लोगों को मैंने काफ़ी वीडियोस में भी हाइलाइटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और उसके अलावा मैंने आपको बताया भी है हाइलाइटर वगैरह का कि कौन कौन से हाइलाइटर मेरे पास हैं। और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाइलाइटर मेरे पास कौन से हैं और सबसे अच्छा रिज़ल्ट किसका है। मेरे पास अफोर्डेबल हाइलाइटर भी हैं और ब्रांड जो हाई एंड ब्रांड है वो हाइलाइटर भी हैं। सो वन बाय वन जो है मैं आपके आपको इसकी स्वाचिस चेक करवाता हूँ, ठीक है। फिर आप जो है बताइएगा, आपकी जो मर्ज़ी आप लोग बाय कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो अफोर्डेबल हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो मतलब बेस्ट हाइलाइटर हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर, इसमें आप देख लें इसमें तमाम शेड हैं हाइलाइटर के, और आपको इसमें जो है ना हर तरह के हाइलाइटर मिल जाएंगे, हर स्किन टोन के आपको इसमें हाइलाइटर मिलेंगे, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी ये पैलेट। और एपीके ब्रांड की ये पैलेट है, ठीक है, एपीके ब्रांड की ये पैलेट है, और इसकी जो कलर है इसमें बिल्कुल भी स्पार्क जो है वो नहीं है। मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि आप लोग इसके कलर चेक कर लें, इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो स्पार्कल वगैरह नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे मैं इसके स्वाचिस भी चेक करूँ, आप चाहें तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है इसके स्वाचिस चेक करवा देता हूँ, ठीक है। आप देखें कितना सटल सा इसका ग्लो है, ठीक है। मैं ज़्यादातर यही पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इसमें आप गोल्ड कलर देखें, इसका पिंक कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें जो ये सिल्वर कलर है ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये डार्क जो कलर डार्क स्किन है तो उनके लिए भी कलर जो है वो मौजूद हैं इस पैलेट में। आप लोग ये देखें कि डार्क कलर मैंने लिया, अभी ये वाले कलर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए, ये जो हैं 1 2 3 4 ये कलर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आप इसका देख लें कि हर तरह के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम कलर हैं इसमें, और मैं ज़्यादातर ये वाला शेड जो है वो यूज़ करता हूँ, ये वाला शेड जो है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है वो ग्लो है, तो आप लाजमी इसको बाय कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास पैलेट है वो ये है, बेनिफिट की मेरे पास पैलेट है, और ये थोड़ी सी ब्रांडेड है, मतलब ये आपको प्राइस तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी हाई एंड ब्रांड है ये, लेकिन इसके स्वाचेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसकी मैं स्वाचिस से आपको चेक करवा दूं कि हाइलाइटर की कि आपने किस तरह से जो है ना मतलब आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा है जो है रिजल्ट है, ठीक है। इसमें जो है एक कंटूरिंग है, ठीक है, बाकी इसमें एक ब्राउनिंग है, ठीक है, ये हाइलाइटर है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके हाइलाइटर में आपको चेक करवा दूं, ठीक है। बहुत ही नेचुरल और सेटल से इसका ग्लो है इसका, ये भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे
शीशेल का है हाईलाइटर, आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा मुझे यूज़ करते हुए। इसका जो है बहुत ज़बरदस्त ही पैकेट हाईलाइटर है, और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। पीच पर्ल इसका कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। ठीक है, ये मेरे पास अफोर्डेबल में है क्रिस्टीन का, और ये भी बहुत अच्छा है, कलर है पिंक सा शेड है इसका। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मिस रोज का, ये भी बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही सटल था इसका ग्लो है। ठीक है, नेचुरल इसका बहुत ही पिंक सा इसका ग्लो है। इसके बाद यहाँ पे एक अगेन मेरे पास मिस रोज का है, तो ये भी कलर बहुत अच्छा है, आप लोग देख, मैं चेक करवाता हूँ आपको। जिनको बिल्कुल एक चंकी सा लुक नहीं चाहिए होता वो ये वाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो है किस ब्यूटी का ये वाला हाईलाइटर है। ठीक है, इसमें तमाम कलर हैं, ब्राउन है, डार्क है, ये पीच है, ये गोल्ड है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा शेड है, हाईलाइटर है। ठीक है, इसमें ये वाइट कलर, ये ब्राउन कलर, ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो एक नेचुरल से दूसरे अलग ही कलर बन जाएगा। इसके बाद जो है मेरे पास जो हाइलाइटर है वो ये इमली का है हाइलाइटर, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद मेरे पास अगेन इमली का है, लेकिन इसका नंबर 04 है और इसका नंबर 02 है। ठीक है, जो मैंने चेक करवाया इसका 02 है और इसका 04 है, तो 04 चेक करते हैं। 04 कैसा है, ये हल्का सा पिंक टोन में है। ठीक है, जो ब्रांडेड हाईलाइटर है, ये मेरे पास रेवोल्यूशन का हाईलाइटर है, बड़ा ज़बरदस्त हाईलाइटर है, रेवोल्यूशन ब्रांड है। और मेरे पास जो इसका हाईलाइटर है वो इस आइस की हाईलाइटर है, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, सी ब्रांडेड हाईलाइटर है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा हाईलाइटर है ये वाला, ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है, मतलब ये सेटल से इसका ग्लो है, इसमें स्पार्कल नहीं है। ठीक है, यह मेरे पास एक अफोर्डेबल में ये बैक्सी का हाईलाइटर था, जो हल्का सा मुझसे ये टूट के ख़राब हो गया था, मैंने अभी रिसेंट ही वीडियो में चेक करवाया है। ये वैसे तो पिंक है लेकिन लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा इसका शेड है, गोल्ड टाइप का शेड है। इसके बाद में अपन यहाँ पे आ जाता है अनस्तासिया का हाईलाइटर, ये यूज़ कर रहा था अपनी वीडियो में, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है बेका का हाईलाइटर, ब्राउनर है, देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैं चेक करवाता हूँ आपको यहाँ पे, बहुत ही सटल सा इसका ग्लो है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है उफ्रा हाइलाइटर। ठीक है, देख सकते हैं उफ्रा जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा,
ठीक है। और ये इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आता है मोलक्स का हाइलाइटर जो ग्लो बाम है, लिक्विड हाइलाइटर है, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया था अभी, ये आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, मेकअप के बाद भी, फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे चेक करवा दूँ आपको, ये इसका स्वाइच है यहाँ पे ना, ये रहा। तो ये हाइलाइटर थे मेरे, और मैं मोस्टली जो यूज़ कर रहा था आपको मैं बता रहा होता हूँ वीडियो में भी कि मैं कौन कौन सा यूज़ कर रहा होता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को जो हाइलाइटर समझ में आए आप लोग ले सकते हैं। मुझे प्राइस कंफर्म नहीं है कि किस किस की कितनी है, लेकिन अफोर्डेबल मैंने पहले चेक करवाए हैं, जो ब्रांडेड हैं वो मैंने बाद में चेक करवाए हैं। सो ये सब जो हैं ये सब ब्रांडेड हैं, ये वाले, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाले सब, ये सब ब्रांडेड हैं, और बाकी जो ये हैं ये वाले सब अफोर्डेबल हैं, ठीक है। ये आपको 1000 के अंदर मिल जाएगी, या ठीक है सॉरी 500 अराउंड मिल जाएगा, 500 600, ठीक है। क्रिस्टल का सबको पता होता है कितने में मिलेगा, शीशेल का आपको 1000 के अंदर मिल जाएगा, 700 800 का, ठीक है। उसके अलावा किस पीटी का भी आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा, ये भी आपको 500 के अराउंड मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाले आपको 1000 के अंदर एक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे ब्रांडेड हैं, तो इनकी प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये इसकी प्राइस ड्रॉप होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। सो आप लोग को जो भी सूट करें आप लोग ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो ये वाला है, इसमें तमाम कलर हैं, इसमें टोटल 8 कलर हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो मैं तो यही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरी तरफ से टोटल रिकमेंड है, अगर आप लोग ले सकते हैं तो ये वाला लाजमी बाय कीजिएगा, और इसके कलर बहुत ज़बरदस्त हैं। सो ये आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग लाजमी कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और किसी भी प्रोडक्ट की रिव्यू चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी हाइलाइटर्स वगैरह यूज़ करना बताऊंगा कि आप लोग विंटर्स में किस तरह से हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स में हाइलाइटर जो हैक्स होते हैं वो किस तरह से आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।